राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगने लगा था कि इस फैसले के साथ उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, जो लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं कि आप सवर्णों के साथ अन्याय करते हैं, सवर्णों को ही क्यों अपने निकलते हैं, क्या इसके पीछे की रणनीति भी राजनीति भी हो रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल परेशान है। दशरथ मांझी के परिजनों को, उनके परिवार के सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके उन्हें फुक्का छोड़ दिया और रत्नेश सदा को मंत्री बनाया, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय जनता दल जहां एक तरफ भीतर ही भीतर काफी उबाल में है, सीधे तौर पे एक ही बात कर सकते हैं और वो बात है कि नीतीश कुमार के फैसले के पीछे पीछे चलने के सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब इस बात को लेकर के एक बार फिर से महागठबंधन के भीतर मामला गर्म हो गया। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। दो दिनों के बाद आपसे सीधा संवाद करने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। गलती मेरी नहीं बल्कि सरकार की है और सरकारी विभाग जिस तरह से काम करते हैं, जिस कछुआ गति में, वो आप भी जानते हैं। लेकिन खैर, हम धन्यवाद देंगे हमारे क्षेत्र के जो बिजली अधिकारी हैं उनका कि उन्होंने बहुत त्वरित काम किया और 24 घंटे के अंदर में उन्होंने ट्रांसफार्मर चेंज करके एक नहीं दो नहीं कई बार अपनी सेवाएँ दी और अब जो परिस्थितियाँ हैं वो सामान्य होती नज़र आ रही हैं। खैर, बिहार की राजनीति में भी परिस्थितियाँ सामान्य होती नज़र नहीं आ रही हैं। जितना हमारे मोहल्ले में बिजली की समस्या थी, उससे ज़्यादा समस्या महागठबंधन के भीतर हो रही है और महागठबंधन के भीतर की ये समस्या कहीं ना कहीं एक बात सामने से नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू होने के पीछे का कई कारण है और हम जो बातें कह रहे हैं वो सुन करके देख करके आपको एहसास होने लगेगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो फैसला कर रहे हैं उस फैसले में वो पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि दावा ये है कि नीतीश कुमार एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, चाणक्य नीति उनकी बहुत अच्छी होती है और बड़े बड़े धुरंधरों को अपने खूंटे में बांध करके रखते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो या देश के जितने भी बड़े नेता का नाम आप ले लें, सभी को अपने खूंटे में बांध करके रखते हैं। अभी वर्तमान में उन्होंने खुला छोड़ दिया है भाजपा को और अब खूंटे पे उनके लालू प्रसाद तेजस्वी यादव बंधे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सात दल में से एक खूंटा तोड़ा करके भाग गया है और उन्होंने साफ तरीके से ये एहसास करा दिया है कि नीतीश कुमार के साथ रहने में घाटा छोड़ करके फायदा नहीं होने वाला है। जीतन राम मांझी लगातार एक्सपोज कर रहे हैं और यही नहीं, जीतन राम मांझी और उनकी टीम, खास करके अगर बात कर लें संतोष सुमन की, आप बात कर लें श्याम सुंदर शरण की, ये सब लोग नीतीश कुमार के भीतर जदयू के अंदर की जो स्थितियां सामने ला रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है नीतीश कुमार के लिए भी और साथ में रहने वाले गठबंधन के साथियों के लिए भी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ललन सिंह और अन्य लोग बात कर रहे हैं वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी के निकलने के बाद जहां एक तरफ आपने देखा होगा बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, तो वहीं कांग्रेस ने भी एंगल टेढ़ा कर लिया है। ललन सिंह के दुकान वाले बयान को लेकर के काफी तल्ख हुई है कांग्रेस भी और कांग्रेस इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं और महागठबंधन के लिए ये बड़ा ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। खास करके 23 तारीख के पहले, 23 तारीख को जो मीटिंग है विपक्षी एकजुटता की, उसके विषय में आपको सबको पता है, उस मीटिंग से पहले इस तरह की प्रक्रिया का होना, इस तरह के क्रियाकलाप का होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पूरी तरह से मामला उलझता नजर आ रहा है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि नीतीश कुमार ने जैसे ही फैसला लिया कि वो जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन के जगह पर रत्नेश सदा को मंत्री बनाएंगे, तो कई लोगों की बांछें खिल गई थी। राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगने लगा था कि इस फैसले के साथ उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, जो लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं कि आप सवर्णों के साथ अन्याय करते हैं, सवर्णों को ही क्यों अपने निकलते हैं, क्या इसके पीछे की रणनीति भी राजनीति भी हो रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल परेशान है और राष्ट्रीय जनता दल की परेशानी का, यानी मंत्रिमंडल में दो सदस्यों को शामिल करा करके, कई नाम भी एक लाइन से सामने आ गए थे, ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार के साथ इस बार फिर से एक बार महागठबंधन अपने ही हिसाब से सारे लोगों को बराबर बराबर हक मिल जाएगा। उधर कांग्रेस को भी आपने देखा कि लगातार वो प्रयास कर रही थी, वो बातें कर रही थी, चर्चा कर रही थी कि हमें भी मौका मिले और हमें, हमारा भी दो ठो जो ड्यू है मंत्रिमंडल में सदस्यों को शामिल कराना, वो पूरा कर लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी की नहीं सुनी और सबके सामने ये फैसला, जिस तरह से नहीं कहा जाता है कि फैसला कर दिया कि वो अब
सीधे तौर पे एक ही बात कर सकते हैं और वो बात है कि नीतीश कुमार के फैसले के पीछे पीछे चलने के सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब इस बात को लेकर के एक बार फिर से महागठबंधन के भीतर मामला गर्म हो गया है। नीतीश कुमार ने जैसे ही रत्नेश सदा को शामिल कराया, उसके बाद से जो लोग इंतजार कर रहे थे वो सभी परेशान हो गए हैं। वाम दलों की तरफ से भी अब खबरें आ गई हैं, वाम दलों ने भी ललन सिंह के बयान को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो कांग्रेस ने तो खुल्लम खुल्ला विरोध किया है, और वहीं कांग्रेस के कई नेताओं से हमने बातचीत करके आपको बताया था कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सब कुछ बात हो गई है नीतीश कुमार से, उन्हें दो मंत्री पद और मिलेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 23 तारीख से पहले नीतीश कुमार ने जो सिंगल एक मंत्री को शामिल कराने का फैसला किया, और वहीं आपको बता दें कि एक और काम उन्होंने किया कि जिस तरह से दशरथ मांझी के परिजनों को, उनके परिवार के सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके उन्हें फुक्का छोड़ दिया और रत्नेश सदा को मंत्री बनाया, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय जनता दल जहां एक तरफ भीतर ही भीतर काफी उबाल में है, सवर्ण नेता काफी परेशान और नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सही एंगल से नहीं काम कर रही है। उसको भी लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से डोमिनेट करने लगे हैं और उनका इस तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख की बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस फैसले ने महागठबंधन के भीतर एक बार फिर से बवाल मचा दिया है, हंगामा मचा दिया है, और भीतर ही भीतर जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया उसको लेकर अब उबाल है। वहीं विपक्ष को भी मौका मिल गया है कि नीतीश कुमार को घेरा जा सके। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं और ये सिलसिला आपके साथ यूं ही निरंतर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।